हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग टिप्स। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कढ़ी। वेजिटेबल कढ़ी बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच बेसन, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च, इन सभी को हम घोल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, तो ये खट्टी दही है। इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमारा कढ़ी का घोल तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ी के लिए सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। तो गोभी और आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। ये गोभी और आलू फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल में डालेंगे राई, मिर्च, कढ़ी पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इन्हें मिला दें। अब हम इसमें डालेंगे मटर, अब हम इसमें डालेंगे हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसे डालेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसमें उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे। मिला दें। अब हम इसे ढककर 15 से 10 20 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।